झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से उप विकास आयुक्त ने आज शुरू की दीदी बाड़ी योजना। इस दौरान उन्होंने कहा, यह योजना दीदियों के परिवार को अच्छी तरह से पोषण देगा और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में महत्वाकांक्षी भी साबित होगा। रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से आज उप विकास आयुक्त ने दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की। रामगढ़ जिले में मनरेगा एवं JSPLS के द्वारा कन्वर्जेंस के तहत दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन तीव्र गति से किया जा रहा है। दीदी बाड़ी योजना महिला और बच्चों में कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर करने वाली महिला एवं बच्चों में कुपोषण एवं बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना मनरेगा और JSPLS के संयुक्त सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को उनके घर के पास उनके बाड़ी जो 1 से 5 डिसमिल भूमि तक हो सकती है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 वर्ष में 100 मानव दिवस का भुगतान किया जाएगा। इस क्रम में अब तक कोला प्रखंड अंतर्गत 1290, मांडू प्रखंड अंतर्गत 1020, पतरातू प्रखंड अंतर्गत 700, चितरपुर प्रखंड अंतर्गत 403, तुलमी प्रखंड अंतर्गत 600 एवं रामगढ़ सदर क्षेत्र से कुल 160 लाभुकों का चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही JSPLS के द्वारा अब तक कुल 532 दीदी बाड़ी सखियों का भी चयन किया गया है, जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को योजनाओं के प्रति जागरूक तथा कार्यों के प्रति प्रेरित करने का काम किया जाएगा। दीदी बाड़ी योजना के तहत जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से कुल 2942 योजनाओं का भी चयन किया गया है, जिसके तहत विधिवत रूप से आगे का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा के द्वारा परियोजना पदाधिकारी मनरेगा एवं DPM JSPLS को सरकार द्वारा चलाई जा रही दीदी बाड़ी योजना के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार कराने एवं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ देने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया है। योजना की शुरुआत होने के बाद उप विकास आयुक्त ने न्यूज़लैंड से बात करते हुए बताया कि नेमरा हमारे मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है और यहीं से लोगों ने दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके पश्चात पूरे जिले में यह योजना चलेगा। लगभग 17,000 योजना इस वित्तीय वर्ष में लेना है और हर माह हम लोग करीब 3400 योजनाओं को सफल क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। इससे दीदी लोग कम जमीन में ही सब्जियां उत्पादन कर सकेंगी, जिससे न सिर्फ परिवार का अच्छी तरह पोषण होगा बल्कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। यह योजना लोगों के लिए स्वास्थ्य वर्धक तो होगा ही, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए महत्वाकांक्षी भी साबित होगा। ये जो है निमरा गांव है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका एक पैतृक गांव है, यहीं से हम लोगों ने आज जो है सो दीदी बाड़ी योजना का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और इसके पश्चात जो है पूरे जिला में सभी 6 प्रखंडों में योजना हम लोग चलाएंगे। लगभग 17,000 योजना हम लोगों को इस वित्तीय वर्ष में लेना है और प्रत्येक महीने में हम लोगों को लगभग 3400 योजनाओं का हम लोग क्रियान्वयन कराने जा रहे हैं। योजना के शुरू होने पर एक महिला लाभुक ने बताया कि इस दीदी बाड़ी योजना के तहत हम लोग सब्जी लगा रहे हैं क्योंकि हमारी दीदियों में खून की कमी है। जानकारी देने के बावजूद भी दीदी लोग सब्जी एवं फल का सेवन नहीं करती हैं, इसलिए सरकार द्वारा दीदी बाड़ी योजना को बहुत लाभदायक बनाया गया है। सभी दीदी अपने बाड़ी में ही सब्जी एवं फल लगा कर खाएंगे, इससे खून की कमी नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। इस दीदी बाड़ी योजना को हम लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो ले रहे हैं, ग्रामीण में हमारी दीदियों को खून की कमी होने के कारण सभी ये लोग जानकारी देने के बावजूद में भी सही समय पे सभी सब्जी और फल का वो लोग सेवन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना यहाँ पे लागू सरकार के द्वारा जो किया गया है वो बहुत ही हम लोग के लिए लाभदायक है। वहीं एक अन्य महिला लाभुक ने भी बताया कि मेरे गाँव में सबसे ज्यादा खून की कमी है, इसलिए दीदी बाड़ी में 3 रंग का सब्जी लगाएंगे जिसको खाकर खून की कमी को दूर करेंगे। आज मेरी बाड़ी में गोभी, बैगन, धनिया, पत्ता लगाया गया और सरकार
अच्छा काम कर रही है, जिससे हम काफी खुश हैं। हम लोग मेरे गांव में सबसे अधिक से अधिक खून का कमी है, उसी के चलते दीदी बाड़ी लगाएंगे तो सबको दीदी बाड़ी का खाना खाएंगे, तीन रंग का भोजन खाएंगे तो अधिक से अधिक दीदी बाड़ी खाना खाने से, तीन रंग भोजन खाने से अधिक अच्छा स्वाद होगा। आम हो या फिर खास, हर तबके को ध्यान में रखते हुए आपके शहर रामगढ़ में खुल गया आकर्षक डिस्काउंट के साथ आपका जी मार्ट। जी हाँ, जी मार्ट अ कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां आपको मिलेगी ग्रोसरी, स्टेपल, बेवरेज, कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी, क्रॉकरी, मोबाइल एक्सेसरीज सहित कई आपके रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं एक ही छत के नीचे, वो भी 5-25% तक के आकर्षक छूट के साथ, वो भी होम डिलीवरी की क्विक सर्विस के साथ। आपको 100% शुद्धता और संतुष्टि प्रदान करने के वादे के साथ रामगढ़ कॉलेज के बगल में जी मार्ट अ कंप्लीट फैमिली स्टोर का उद्घाटन आज सूबे के कई दिग्गजों की मौजूदगी में हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह गिरिडीह सांसद चंद प्रकाश चौधरी मुख्य रूप से मौजूद हुए। वहीं उनके साथ गोमिया विधायक लंबोदर महतो, जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, मांडू विधानसभा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, युवाओं के चहेता नेता तिवारी महतो, जी मार्ट के संचालक तेजपाल महतो सहित कई गण्यमान्य लोगों ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर जी मार्ट फैमिली स्टोर का शुभारंभ किया। उसके बाद शोरूम संचालक और शोरूम परिवार के द्वारा वहां मौजूद अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस दरमियान सांसद श्री चंद प्रकाश चौधरी ने शोरूम के मालिक को बधाई देते हुए कहा कि इस स्टोर के खुलने से पूरे रामगढ़ के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, जिससे लोग एक ही छत के नीचे आकर कपड़ा, कॉस्मेटिक, खाद्य सामग्री, मोबाइल जैसी कई रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण चीजें अच्छे दर पर मिलेगी। वहीं जी मार्ट फैमिली स्टोर के संचालक तेजपाल महतो ने बताया कि जी मार्ट फैमिली स्टोर में हम आपको एक ही छत के नीचे आपके जरूरत हर चीजें आकर्षक छूट के साथ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी की क्विक सर्विस भी मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप अपने फैमिली स्टोर जी मार्ट में जांच परख के उपरांत खरीदारी करें और हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें।